अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास फोर्थ साइंस के क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। और टॉपिक का नाम है सेल ऑर्गेनल्स। इस चैप्टर के एक टॉपिक है सेल, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेल के बारे में पढ़ा था, और अब जो आज का हमारा सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है, इसके बारे में, इसमें हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमने सेल पढ़ा था कि सेल क्या होता है। किसी भी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है, उसे सेल कहा जाता है। अब जो सेल है, इसके और छोटे पार्ट्स हैं। ऑर्गेनल्स को आप पार्ट्स भी कह सकते हैं कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हम एक तरीके से सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट सेल के अंदर क्या काम करते हैं, किस तरह के काम करते हैं, ठीक है। तो अब जो अपकमिंग आपके पास स्लाइड आ रही है, इसमें हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने दो हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने जा रहे हैं, और आपके सामने जो पिक्चर है, ये एक अदद एनिमल सेल की पिक्चर है, ये एक अदद, अच्छा मैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर एक अदद प्लांट सेल की पिक्चर है, ठीक है। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। अब मैं इस प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर आपको अलग अलग ऑर्गेनल्स के नाम के साथ, उनका जहाँ पर भी वो पाए जा रहे हैं, जो भी उनका काम है, जो भी उनका फंक्शन है, उसको हाईलाइट करती जाऊंगी। सबसे पहले जो सबसे मेन पार्ट होता है सेल का, जैसे हमारी बॉडी में सबसे मेन पार्ट होता है हमारा ब्रेन, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। पूरी बॉडी को किस तरीके से कमांड देनी है, सारे काम हमारा ब्रेन करता है। तो उसी तरह से जो सेल होता है, उसका मेन पार्ट, उसका ब्रेन कह लें, वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर मैं स्कूल की बात करूँ, तो स्कूल का जो मेन पार्ट है, जहाँ पर स्कूल के सारे काम होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, या एक तरीके से कह लें आप ऑफिस, जो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है, वहां पर ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो सेल का जो ऑफिस है, सेल का जो ब्रेन है, सेल का जो मेन पार्ट है, वो होता है न्यूक्लियस। अब मैं आपको एनिमल सेल में न्यूक्लियस को हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। ये है न्यूक्लियस वाला पार्ट, ठीक है। मैं इसको कलर कर रही हूँ ब्लू कलर, ये है न्यूक्लियस। अब आगे चलते हैं प्लांट सेल के ऊपर। तो प्लांट सेल का न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जा रहा है पर्पल कलर में, ये जो हुआ है यहाँ पर, मैंने इसको ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। ये है प्लांट सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरफ एनिमल सेल होता है, इस तरफ प्लांट सेल होता है। एनिमल सेल का न्यूक्लियस हमेशा कहाँ होता है, सेंटर में होता है। देखिए आपको नजर आएगा, अगर इस गोल के अंदर काफी हद तक सेंटर में ही है, जबकि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है, ये आप देख सकते हैं, ये साइड में पाया जा रहा है। साइड में इसलिए है, इसका रीजन में भी आपको थोड़े आगे जाकर बताती हूँ कि ऐसा क्यों है, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक तरीके से आप समझ लें, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक है। अगर आप किसी स्कूल की बात करें, किसी प्लेग्राउंड की बात करें, तो उसका जो स्कूल का ऑफिस हो गया, वो हो गया न्यूक्लियस। स्कूल का जो बड़ा सा एक प्ले ग्राउंड है, वो क्या, साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर भी बड़ा सा प्ले ग्राउंड होता है, ठीक है। ये प्ले ग्राउंड का काम क्या है, यहाँ पर ना बहुत सारा पानी होता है। ये देखिए इस तरह भी पूरा जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको येलो येलो कलर नजर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ काफी हद तक, ताकि ये आपको बाद में नजर आ जाए साफ, ठीक है। मैं इसको पेन से कर सकती हूँ कि ये वाला पार्ट, ये वाला सारा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म बेसिकली सेल के अंदर कैसा होता है, पानी होता है। पानी के अंदर सेल के और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो पानी के साथ जब मिल जाते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म बना देते हैं। 90% साइटोप्लाज्म में पानी होता है, बाकी के 10% उसमें और दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें गॉल्जी बॉडी, सेंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी चीजें होती है। चलो ये आपकी क्लास के हिसाब से काफी बड़े लेवल की बात हो जाएगी। तो अभी जो आपने समझना है, वो है सिर्फ साइटोप्लाज्म के बारे में। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म इतना वाजे इस वक्त इस पिक्चर में नहीं बना हुआ है, एनिमल सेल में बना हुआ था, वो मैंने आपको इसमें दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक तरीके से आप समझ लें, बॉर्डर समझ लें, बाउंड्री समझ लें। यानी कि अगर मैं बात करूं कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से कैसे अलग है, तो उनके बीच में एक बॉर्डर है, एक बाउंड्री है। उसी तरह अगर सेल की बात करूं, तो सेल एक दूसरे से यानी कि सेपरेट कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल एक साथ होते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कहाँ पाई जाती है, ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। देखें आपको अंदर की तरफ ये जो सर्कल नजर आ रहा है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, पूरा जो सर्कल है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर, यहाँ पर शायद इन्होंने पिक्चर में क्लियर नहीं है, तो ये जो अंदर वाली जो लाइन है, ये दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि जो साइटोप्लाज्म अंदर पानी की सूरत में है, जो पानी है, दूसरे ऑर्गेनल्स पानी के साथ मिले हुए हैं, ये सारे के सारे बाहर नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। अगर मैं स्कूल की बात करूँ, तो स्कूल कहाँ पर होता है, जिस भी जगह पर स्कूल होगा, तो वहां पर कोई ना कोई बाउंड्री होगी, कोई ना कोई दीवार खड़ी हुई होगी, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा स्कूल का है और ये वाला हिस्सा स्कूल का नहीं है, क्योंकि यहाँ वो स्कूल की दीवार नहीं है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक दरवाजा है, सेल वॉल एक और दरवाजा है। एनिमल्स के अंदर दो जो है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल भी पाई जाती है। ये देखिए प्लांट्स में अगर मैं आपको सेल वॉल दिखाऊंगी, आउटर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं,
ये जो आउटर मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ आई, बाहर की तरफ आ रही है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल, और जो अंदर की तरफ थी वो थी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल वॉल का काम क्या होता है कि ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसकी वजह से जो प्लांट की आउटर बॉडी है ना, कभी आप किसी प्लांट के ऊपर हाथ रखें उसकी स्टेम के ऊपर आपको सख्त महसूस होगी, ये सख्त इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक हार्ड सी सेल वॉल होती है। जबकि एनिमल में, किसी भी एनिमल को आप हाथ लगा के चेक कर लेंगे, आप अपने आप अपने हैंड को भी टच करेंगे आपको नरम सा फील होगा, क्यों? क्योंकि आपके किसी भी सेल के ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है। एनिमल्स में सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में आ जाते हैं इसके अंदर, सारे एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है। इसका एक रीजन ये भी समझ लें कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो अगर वो अपने फूड को साइटोप्लाज्म में, वैक्यूल में, किसी भी जगह पर स्टोर करते हैं और वो वहां से निकल जाए, यानी कि सेल मेम्ब्रेन उस साइटोप्लाज्म को ना रोक सके, तो सेल वॉल वो जगह है जहां से कोई भी ऑर्गेनेल, कोई साइटोप्लाज्म, कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। कुछ सेलेक्टिव चीजों को, पानी को इजाजत होती है कि पानी जा सकता है, अगर पानी ज्यादा हो गया तो सेल के अंदर पानी चला जाएगा, अगर पानी कम हो गया तो सेल के अंदर पानी आ जाएगा, बस पानी को इजाजत होती है और ज्यादा चीजों को इजाजत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब होता है खाली सी जगह, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर ये खाली सी जगह जरा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, एनिमल्स में खाली जगह कम होती है। प्लांट्स के अंदर इस खाली सी जगह का जो रीजन है, यानी कि क्यों होती है ये खाली सी जगह, इस खाली सी जगह या इस वैक्यूल का मकसद ये होता है कि इसके अंदर वो अपना प्रिपेयर फूड रख सकते हैं। मैं अगर हाईलाइट करूँ यहाँ पर प्लांट्स के, मैं येलो कलर से हाईलाइट करूँ, दिस पार्ट इज कॉल्ड द वैक्यूल। ये पूरा एक स्क्वायर सा, एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, ये वैक्यूल है, ये वो खाली सी जगह है कि प्लांट जब भी सनलाइट की मदद से, वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, तो वो हर हर सेल में उसको स्टोर कर लेते हैं कि जब भी आपको जरूरत हो आप इस स्टोर फूड से अपने अपने सेल के फंक्शन को चला सकते हैं। जबकि एनिमल में ऐसी कोई नीड नहीं है क्योंकि एनिमल अपना फूड खुद प्रिपेयर करते ही नहीं है। तो एनिमल के अंदर जो भी आपको वैक्यूल्स नजर आएंगे वो बहुत ज्यादा साइज में छोटे होंगे, ठीक है। तो एनिमल्स के वैक्यूल्स इतने बड़े नहीं होते, एनिमल्स में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, जबकि प्लांट्स में वैक्यूल्स साइज में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसके अंदर आपको एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, कलर देना, जबकि एनिमल्स जो है वो एनिमल्स का कोई कलर नहीं होता। एनिमल्स, प्लांट्स के कलर्स होते हैं बहुत सारे, यानी कि प्लांट्स के फ्रूट्स के डिफरेंट कलर हैं, प्लांट्स के वेजिटेबल्स के डिफरेंट कलर हैं, प्लांट्स के फ्लावर्स के डिफरेंट कलर हैं, प्लांट के पार्ट्स के डिफरेंट कलर हैं। तो जो प्लांट्स की बॉडी में कलर्स देने वाला पिगमेंट होता है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर दे देता है। इस ग्रीन कलर की वजह से वहाँ पर फूड भी प्रिपेयर होता है, वहाँ के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं और बहुत सारे फंक्शन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। जो समझ लें आपका घर है, मैं अगर आपको उसके आपके घर से एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ, शायद आपको, और या स्कूल से ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि आपका होमवर्क इससे काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है। अगर मैं स्कूल की एग्जाम्पल को सामने रखूँ तो जो स्कूल का ऑफिस हो जाएगा, ऑफिस हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और जो स्कूल का ग्राउंड हो गया, यानी कि जो प्ले ग्राउंड है वो हो गया आपके पास साइटोप्लाज्म, स्कूल की जो वॉल्स हो गई वो हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। स्कूल में आप रूम समझ लें, जो भी रूम्स होते हैं वो आप समझ लें वैक्यूल्स हैं। क्लोरोप्लास्ट आप कोई भी कलर समझ लें, गेट है, ठीक है। सेल वॉल आपका क्या हो गया, मेन गेट। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जो भी आपके स्कूल में जनरेटर वगैरह लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल की जो भी सप्लाई, जहाँ से भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रहा है, आपको पावर एनर्जी मिल रही है, जिससे आपके पंखे लाइट्स वगैरह चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। स्कूल में आप जनरेटर कह लेते हैं उसको, ठीक है, लेकिन अगर आप सेल की बात करें तो सेल में वो चीज़ कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं हाईलाइट करूँ माइटोकॉन्ड्रिया को, मैं ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ उसे, ये ऑरेंज कलर का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑरेंज कलर का पार्ट, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर भी येलो कलर से हाईलाइट करके देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये मैंने इसे इरेज कर दिया है, अब मैं इसे येलो कलर से हाईलाइट करने जा रही हूँ, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑरेंज कलर के जो यहाँ पे बॉल्स बने हुए हैं एनिमल सेल में, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि दोनों सेल्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। दोनों के माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही काम है कि ये एनर्जी देने का काम करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद हमारी जो ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद ये वहां से उसको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी प्रोड्यूस कर न्यूक्लियस को दे देता है, और फिर न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है कि कौन कौन सा ऑर्गेनल क्या काम करेगा, कौन सा ऑर्गेनल प्रोटीन बनाने का काम करेगा, कौन सा जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसे अंदर आने की इजाजत देगी, किसे बाहर आने की इजाजत देगी। यानी कि अगर स्कूल की एग्जाम्पल ले लें हम, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में आपका मेन ऑफिस है,
प्रिंसिपल का ऑफिस, ये काम कर रहा है। अब इस काम में क्या होगा, जो गेट है आपका वो सॉल्व हो गया, ठीक है। और एक ऑफिस, एक गेट आप समझ लें आपके जो ऑफिस का गेट है वो, दैट इज कॉल्ड योर सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल वॉल, सेल वॉल यानी कि स्कूल का मेन गेट हो गया। स्कूल के मेन गेट से क्या हर कोई अंदर आ सकता है? कोई अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ सेलेक्टिव लोग अंदर आएंगे, यानी कि जो टीचर्स होंगे वो आएंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे वो आएंगे, और इन केस किसी पेरेंट ने मिलना है तो वो अंदर आएगा। यानी कि बाहर चलता हुआ कोई भी उस स्कूल के अंदर नहीं आ सकता। उसी तरह सेल के अंदर भी बाहर से चलता हुआ कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ सेलेक्टिव ऑर्गेनल, सेलेक्टिव चीजें, सेलेक्टिव वाटर, ये सब चीजें अंदर आती है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपके पास जो होमवर्क है वो बहुत छोटा सा है। आपने अपने बुक के पेज 8 पर जाना है, और पेज 8 पर जाने के बाद आपका जो होमवर्क है वो पेज 8 पे 3B है। यहाँ पर आपको दो कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस दिया हुआ है, जबकि कॉलम बी में पावर जनरेटर, मेन गेट, प्ले ग्राउंड, मेन ऑफिस, इस तरीके की एग्जाम्पल्स दी हुई है। आपने ये बताना है कि इन एग्जाम्पल्स को मिलाकर, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ साइटोप्लाज्म और प्ले ग्राउंड, दोनों सेम चीजें ही हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी एक तरीके से ग्राउंड टाइप का एरिया होता है, और प्ले ग्राउंड भी ऐसा है जहाँ पर आप खेल सकते हैं, बड़ा एरिया कहलाता है खाली। तो इसको आप यहाँ पर कॉलम सी के अंदर लिख सकते हैं कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर के साथ से, फंक्शंस के साथ से सेम सेम होती हैं, ठीक है। तो आपने ये होमवर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पर आकर हमारी ये क्लास खत्म हो गई। जजाकुमुल्लाह खैरा।